प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम खोया का लड्डू बनाएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। इस लड्डू को भगवान जी का भोग भी लगाइए। आइए फिर फटाफट बनाते हैं। सामग्री में हमने 300 ग्राम खोया ले लिया है, 200 ग्राम चीनी का बुरादा, 100 ग्राम गरी का बुरादा, थोड़ा इलायची पाउडर, एक प्लेट इसमें लड्डू रखेंगे बना के। आइए फिर बनाते हैं। सबसे पहले गरी का बुरादा डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, चीनी का बुरादा डालेंगे। इन सभी को अच्छी तरीके मिलाना है। इस तरीके हथेलियों से मिला देंगे। इन सभी को अच्छी तरीके हमने मिला लिया है। आइए अब लड्डू का शेप देते हैं, लड्डू बनाते हैं। ये देखिए, इसी तरीके सभी लड्डू बनाएंगे। आप इस लड्डू को भगवान जी का भोग भी लगा सकते हैं। ये 5-6 दिन तक आराम से चल जाता है, खराब नहीं होता, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा लड्डू। आप इसमें मेवे भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ कुछ भी नहीं डाली हूँ, तभी पर लड्डू हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, इसी तरीके सभी लड्डू बना लेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई गलतियाँ हो तो माफ़ करिए दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, कितना आसान है ना बनाना लड्डू। सभी लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। आइए इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए चिकना लड्डू, कितना बढ़िया लड्डू। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। अब इस लड्डू को गरी के बुरादा से गार्निश कर देंगे, ताकि लड्डू दिखने में बढ़िया लगे। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई गलतियां हो तो माफ करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।